हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम तीखी सी चटपटी सी मुरमुरे की नमकीन। इसे बनाना बेहद आसान होता है और घर में रखे सामान से ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसी मार्केट में मिलती है ना, बस बिल्कुल उसी स्टाइल की बनेगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की नमकीन। बाज़ार में तो बहुत महंगी मिलती है, पर हम इसे झटपट तरह से घर पे आसानी से तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने मुरमुरे ले लिए हैं, तो यहाँ पर आप मुरमुरे की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कटोरी भर के मखाने, 1 कटोरी भर के मूँगफली के दाने और 1/2 कटोरी मैंने लिया है गोला सूखा वाला, उसे लंबाई में कट कर लिया है बारीक बारीक। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश और इसी तरह मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं और थोड़े से काजू, दोनों को मैंने बीच से कट कर लिया है लंबाई में। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक लिया है 1/2 चम्मच और उसके बाद लिया है 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाला लिया है, क्योंकि चाट मसाला बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की चाट में। और उसके बाद मैंने डाला है 1/2 चम्मच भर के गरम मसाला। गरम मसाले के बाद मैंने यहाँ पे लिया है खटाई का पाउडर, ड्राई मैंगो का पाउडर है ये, तो 1 से 1/2 चम्मच ले लीजिए आप इसे भी। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी रेसिपी का। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर काला नमक। तो आप सफ़ेद और काला दोनों नमक इस्तेमाल कीजिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी रेसिपी का जो हम तैयार करेंगे। इस तरह से फिर चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसे साइड में रख लीजिए, क्योंकि जब लास्ट में हमारी नमकीन बन के तैयार हो जाएगी तब उसके ऊपर हम इसे डालेंगे। तो लीजिए ये भी तैयार है। और उसके बाद मैंने 1 कटोरी भर के करी पत्ता लिया है। तो देखिए यहाँ कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है और जैसे ही वो गर्म हो जाएगी तो उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स सारे और जो हमने मूंगफली के दाने निकाल के रखे थे उन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके आप एक एक करके सबको मीडियम टू लो गैस पर फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम आप हाई ना करें, वरना ये जल सकते हैं। तो आप इस तरह इन्हें फ्राई करके और निकाल निकाल के अलग प्लेट में रखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। तो काजू को भी आप इसी तरह मीडियम टू लो गैस पे फ्राई कर लीजिए। तो लीजिए फटाफट से ये भी सिक्के रेडी हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम मूंगफली के दानों को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। तो अलटते पलटते चारों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए और ना ही जलने चाहिए। तो देखिए मूंगफली भी तैयार हैं। उसके बाद मैंने इसी तरह किशमिश भी भून ली थी। तो देखिए सभी अच्छे से हो गए हैं फ्राई। उसके बाद हम गोले को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों फटाफट से मैंने गोले को भी फ्राई करके निकाल लिया है। और उसके बाद हम डालेंगे करी पत्ता। तो करी पत्ते को भी इसी तरह से आप डाल लीजिए और उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरह चलाते हुए आप इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए और फटाफट से इन्हें छलनी की मदद से निकाल लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स ये भी सिक्के रेडी हैं, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। अब लास्ट में हम इसमें मखाने डालेंगे और उन्हें भी इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स मखाने भी हो गए हैं फ्राई और इन्हें भी मैंने छलनी की मदद से निकाल लिया है। एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ऑयल थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने उसे कम कर लिया है। और अब इसी बचे हुए तेल में हम मुरमुरे को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, जिससे कलर थोड़ा अच्छा आ जाए। इसे हल्के से मिक्स करेंगे और मुरमुरों को डाल देंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इन्हें भून लेंगे। तो यहाँ पर भी आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए, हाई ना करें, क्योंकि ये जल्दी जल जाते हैं। तो इस तरह अलटते पलटते मैंने इन्हें बहुत क्रिस्पी कर लिया है, बहुत क्रंची हो गए हैं सिकते हुए। और इनका थोड़ा सा देखिए आप कलर भी चेंज हो गया है पहले से। तो लीजिए फ्रेंड्स ये भी तैयार हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, अच्छे से हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्प क्रंची बन गए हैं। तो बस इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फैले मुँह का बर्तन ले लिया है, उसमें मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स सारे जो हमने अच्छे से फ्राई करके रखे थे,
और मूंगफली के दाने और करी पत्ता, सभी को आप इनमें मिक्स कर दीजिए। तो मैं सभी को एक साथ मिक्स नहीं करूँगी, पहले मैंने आधे डाल दिए हैं, मैंने दो बैच में मिक्स करूँगी। आधे मैंने डाल दिए हैं, आधे अभी प्लेट में ही रखे हुए हैं। और इनके बाद इनके ऊपर अब हम डालेंगे मसाला, जो हमने मसाला बना के रखा है, एक से दो चम्मच आप इस पर डाल दीजिए, क्योंकि ये अभी गरम गरम है तो मसाला इन पर अच्छे से कोट हो जाएगा। और चम्मच की मदद से और हाथों की मदद से आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और जो ये करी पत्ता है आप इन्हें क्रश कर दीजिए, जिससे ये भी इनमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब आप करी पत्ते को ऐसे क्रश कर देंगे तो इनका एक पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मसाले के साथ इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इनका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते हैं पीस, इसलिए आप हाथों से इन्हें क्रश कर दीजिए और हाथों की मदद से अच्छे से सभी मसाले को और सभी ड्राई फ्रूट्स को आप इनमें मिला दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलके तैयार हैं। अब जो दूसरा बैच हमारा बचा है हम उन्हें भी इसमें डालेंगे। और बीच बीच में मैं इसमें एक एक चम्मच मसाला डालती जा रही हूँ। तो देखिए बचे हुए भी जो भी सारा सामान था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और हाथों की मदद से दोबारा से इन्हें मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करते करते थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला भी ऐड करती जाऊँगी, जिससे मसाला चारों तरफ अच्छे से मुरमुरे में कोट हो जाए। तो मसाला यहाँ पर आप कम ज़्यादा जैसा भी खाना चाहते हैं वैसा कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है और बहुत क्रिस्पी लगती है खाने में। बच्चों को जब शाम को भूख लगती है तो आप दे सकते हैं उन्हें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और जो हम बाज़ार से नमकीन खरीद कर लाते हैं ना, उससे बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध बनी है हमारे घर की, क्योंकि हमें पता है हमने इसमें क्या क्या सामान डाला है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है एकदम चटपटी क्रिस्पी और टेस्टी मुरमुरे की नमकीन। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई है आपको। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।